हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे मैकेनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। दिस विल हेल्प इन योर 11th फिजिक्स एंड योर 12th फिजिक्स, डेट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये तीन टर्म हैं जो आपकी कंप्लीट 11th फिजिक्स में और 12th की फिजिक्स में काम आने वाला है। वर्क, पावर एंड एनर्जी, तीनों टर्म्स आपने बचपन से सुनी है। इवन यू कैन फील दिस टर्म। वर्क का मीनिंग पता है आपको, वर्क कर ही रहे हो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए। पावर का मतलब आपको पता ही है, और एनर्जी आप अपनी कंटिन्यूसली लगा रहे हो। तो वर्क, पावर और एनर्जी पर कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्या क्या हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आने वाले हैं, ये पूरा चैप्टर का डिस्कशन हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग डालो न्यू चैप्टर, वर्क, पावर, एनर्जी। चलिए तो देखो बच्चों, जैसे कि ये चैप्टर तीन टर्म्स में डिवाइडेड है, तो मैं पहले आपको सेपरेटली वर्क के बारे में बताऊंगा, वर्क क्या है। देन हम डिस्कस करेंगे बेटा एनर्जी के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे पावर के बारे में, और फिर हम वर्क एंड एनर्जी को मर्ज कर देंगे, वर्क एंड पावर को मर्ज करेंगे, पावर एंड एनर्जी को मर्ज करेंगे। तो एक एक टर्म को पहले हम सेपरेटली समझने वाले हैं, सेपरेटली समझने के बाद फिर तीनों टर्म्स को हम कंबाइंडली भी समझने वाले हैं। और वही सारी बातें कि इन तीनों टर्म का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे बनने वाले हैं फॉर योर प्रैक्टिस, और अब तक कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे नीट एग्जामिनेशन में आए हैं, ये सारी चीज़ों के डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो हेडिंग डालो वर्क, पावर, एनर्जी, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्क। देखो बच्चों, अगर मैं वर्क की बात करूं तो एक सिंपल सी हमारे हिंदी में कहावत है कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही होगा, और जो करने वाली बात है वो वर्क है। सिंपल सी बात है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी मैं एफर्ट्स परफॉर्म कर रहा हूं, उन सारे एफर्ट्स को एनालाइज करके रिजल्ट में उतारने का तरीका है वर्क। कि जितना भी मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ उसको कैसे तोला जाएगा, वर्क के पैमाने पे, कि तुमने टोटल कितना काम किया, उस पैमाने से आपको बताएंगे कि तुमने कितना एफर्ट्स लगाया। तो अगर मैं बोलूँ तो इस बात को ऐसे समझ लो, वर्क एक पैमाना है आपके द्वारा लगाए गए एफर्ट्स का। तो देखो बच्चों, यहाँ पर वर्क में हम बातचीत करेंगे, वर्क है क्या है, कैसे वर्क परफॉर्म होता है, कौन कौन से वर्क के टाइप होते हैं। फिलॉसफी वाली बातें नहीं करेंगे, फिजिक्स वाली बातें करेंगे, ठीक है, कि पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, हम फिजिक्स वाली बातें करेंगे, फिलॉसफिकल बातें नहीं करेंगे। क्लियर? फिलॉसफिकल का कहने का मीनिंग क्या है कि सर आध्यात्म वर्क, ये फिलॉसफी जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उन सारी चीज़ों को हटा के फिजिक्स जो हमारे सिलेबस में है और जो हमारे नीट में आने वाली है, वो सारी बातचीत करेंगे। क्योंकि वर्क पर तो अलग से नोवेल भी लिखा गया है कि स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ये सारी फिलॉसफी हम नहीं डिस्कस करेंगे। जो हमारे फिजिक्स का वर्क है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, वर्क है क्या है, लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा ये ग्राउंड है, और यहाँ पर बेटा ये कोई भी एक ब्लॉक रखा है, मास ऑफ दिस ब्लॉक इज एम। ये कोई भी ब्लॉक रखा है जिसका मास कितना है अपना, एम है। क्लियर? और मैं इस पर कोई भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एम। जैसे मैं इस पर F फोर्स लगाता हूँ तो F फोर्स के कारण ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देता है, और मूव करते करते ये लेट्स से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाता है यहाँ पर। समझ लेना कि एक एक पॉइंट हम बनाएंगे, पूरा वर्क को हम यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं, कैसे वर्क कैलकुलेट होगा। तो सिंपल सा मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि ये कोई भी ब्लॉक है जिसका मास है एम, इस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F, और इस F फोर्स के कारण ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करता है, एंड इट मूव फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B एंड कवर डिस्टेंस S। कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है ये S। सो हियर अल्टीमेटली अगर आप किसी भी ब्लॉक को ऐसे पुल करके ले जा रहे हो तो आप अपनी एनर्जी खपा रहे हो, सीधी सी बात है। अगर आपकी मम्मी आपको बोले कि बेटा ये टीवी का बॉक्स है, इसको हॉल से बेडरूम में लेके जाओ, तो आप अगर उसे उठा के ले जा रहे हो तो आपकी उसमें एनर्जी लग रही है, कि आपने एक फोर्स लगाया उसको लिफ्ट करके उठाने में, फिर उसको ले जाने में एक फोर्स लग रहा है आपका। प्लस
आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो तो ओवरऑल आपकी एनर्जी परफॉर्म हो रही है, एनर्जी आपकी खप रही है। तो वो जो एनर्जी खपी वो ही हमारा क्या है, वर्क है, कि कितनी एनर्जी मेरी चले गई इस टास्क को पूरा करने में, इस टीवी के बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितनी एनर्जी मैंने खपाई, वो पूरा क्या है, वर्क। तो कैसे कैलकुलेट होता है वर्क? वर्क डेट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, विच इज इक्वल टू होता है बेटा कि जितना भी फोर्स मैंने लगाया है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, जो भी बॉडी को मैंने डिस्प्लेस किया है। तो इन अ सिंपल वे वी डिफाइन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन अ सिंपल वे वी डिफाइन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बट इन अ प्रॉपर वे इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन और वर्क परफॉर्म ऑन अ बॉडी इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब क्या है कि हे अ वर्क दैट इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू विच इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स वेक्टर डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि कोई भी बॉडी पर कितना वर्क परफॉर्म हुआ या कोई पर्टिकुलर फोर्स लगाने पर कितना वर्क मैंने किया, दैट इज अ फोर्स वेक्टर डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इन अ प्रॉपर वे यू कैन आल्सो राइट इट एफ एस कॉस थीटा। वर्क विच इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, हेयर एफ इज अ फोर्स जिसके रेस्पेक्ट में आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हो, एस इज द डिस्प्लेसमेंट जो भी डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि लेट्स से मैं इस चीज को ऐसे बोल देता हूं कि ये कोई भी एक ब्लॉक है जिसका मास है एम, इस पर बेटा मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एफ एट एन एंगल ऑफ थीटा। कोई भी ये ब्लॉक है जिसका मास है एम, इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एफ एट एन एंगल थीटा। तो अल्टीमेटली इसको मूव कराने में मुझे वर्क परफॉर्म करना होगा, देन द वर्क एफर्ट्स और वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स एफ विच इज इक्वल टू होगा एफ एस कॉस थीटा, वेयर एफ इज अ फोर्स, एस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ में? तो डेट इज अ मेथड टू कैलकुलेट द वर्क, कि अमाउंट ऑफ वर्क कितना परफॉर्म होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं एफ एस कॉस थीटा से। तो देखो ऐसे वर्क की कहानी बच्चों ऐसे आए कि बचपन से आप सुनते आ रहे हो, इवन आप कर भी रहे हो बचपन से, कि हम कोई भी इवेंट कोई भी टास्क को पूरा करना होता है तो उसके लिए हम एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, उसके लिए हम अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं। जो एफर्ट्स हैं जो एनर्जी है अगर मैं उसको एक पैमाने में तोल के निकालूं तो वो पैमाना निकालता है वर्क, कि मैंने टोटल जितना काम किया उतनी मेरी एनर्जी लगी। सीधी सी बात है कि आप 40 सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे हो फिर नीचे उतर रहे हो, तो आप ऊपर गए हो नीचे आए हो तो आपने एक एनर्जी आपकी खपी है, तो टोटल वर्क कितना हुआ वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो जो पैमाना है कितना वर्क किया आपने उसको कैसे निकालोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, कितना फोर्स आपने लगाया कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में हमारा एंगल कितना है, सो वी कैन कैलकुलेट द फोर्स वर्क। क्लियर? सो यू कॉपी दिस रिजल्ट, देन विल डिस्कस सिंपल सिंपल पॉइंट ऑफ वर्क, देन विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल की पहले हम बातचीत करें, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप एक बार कॉपी कर लो। चलिए देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे वर्क की बात करूँ W की, तो वर्क डन हमारा कितना होता है एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन कितना है अपना एफ एस कॉस थीटा, एफ तो अपना फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है और थीटा एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ब्लॉक है
अगर मैं इस पर एफ फोर्स लगा रहा हूँ एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो अल्टीमेटली ब्लॉक हमारा मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। लेट से इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एस, तो टोटल वर्क हमारा एफ एस कॉस थीटा परफॉर्म होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, तो मैंने बोला बेटा वर्क डेट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट और अ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट है तो अल्टीमेटली वर्क हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डेट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों बोला स्केलर? तो देखो बच्चों, वर्क एनर्जी इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, आपने भी पढ़ रखा है कि एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं है, एनर्जी तो ऑल डायरेक्शन में ही खपती है अपनी, तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, इसलिए हम उसको कैसा बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। सो आई कैन कंक्लूड फर्स्ट पॉइंट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इट्स SI यूनिट। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं, तो देखो बेटा फोर्स की तो क्या होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी मीटर, सो हेयर यू कैन से डेट इज अ न्यूटन मीटर, और वी प्रोवाइड अ स्पेशल नेम डेट इज कॉल्ड जूल, डेट इज डिनोटेड बाई जे। तो वर्क की जो SI यूनिट होती है वो होती है बेटा अपनी जूल, तो इट्स SI यूनिट इज जूल। नेक्स्ट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट है बेटा ये, तो इट्स CGS यूनिट इज अर्ग, CGS यूनिट होती है अर्ग। ये मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन में भी बताया था कि वन जूल डेट इज इक्वल टू होता है 10^7 अर्ग। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम्स वी आल्सो मेजर इन कैलोरी, एंड वन कैलोरी विच इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल, एंड फॉर कैलकुलेशन वी यूज 4.2 जूल। तो अगर आपको आंसर कैलोरी में पूछे, आपका आंसर जूल में आया हुआ है, सो यू कैन कन्वर्ट जूल इनटू कैलोरी बाय यूजिंग दिस कन्वर्जन फार्मूला, वन कैलोरी विच इज इक्वल टू 4.18 जूल, एंड डेट इज आल्सो इक्वल टू 4.2 जूल। नेक्स्ट पॉइंट, डायमेंशन। देखो बच्चों, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, तो आपने पढ़ा है वर्क डेट इज इक्वल टू हो गया एफ एस कॉस थीटा। अगर बेटा मैं यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन लिखूंगा तो m1L1T-2, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन लिखूंगा तो L, और cos थीटा मैथमेटिकल फंक्शन है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, तो ओवरऑल वर्क की डायमेंशन निकल के आएगी अपनी m L2T-2। डायमेंशन ऑफ वर्क डेट इज इक्वल टू होगा m L2T-2। यूनिट ये होगी, डायमेंशन ये होगी, और कैसी क्वांटिटी हमारी स्केलर, ये इसके बेसिक पॉइंट है। क्लियर? तो कोई भी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर वो डिस्प्लेस हो रही है, तो उस पर वर्क परफॉर्म होगा, और कितना वर्क परफॉर्म होगा हमारा, एफ एस कॉस थीटा, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग ऑफ दिस फार्मूला। और यहाँ पर इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एंड दीज आर द वेरी सिंपल पॉइंट्स। यूनिट क्या होगी, कैलोरी में पूछ ले तो कैसे लिखोगे, एंड डायमेंशन क्या होगी, तो ये भी आप कॉपी कर लो। फिर और कुछ पॉइंट्स की बातचीत करते हैं, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। चलिए, देखो बच्चों आगे की बातचीत करते हैं। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट मैं ले लेता हूं, आपने पढ़ा है बेटा वर्क डन डेट इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। क्लियर? लेट्स से यहाँ पर बेटा ये कोई भी ब्लॉक है M, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं खींचने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, देन
यू कैन से वर्क डन डेट इज इक्वल टू होगा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा कितना है बेटा जीरो मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, सो ओवरऑल वर्क डन क्या आएगा जीरो. सो वॉट वी कैन कंक्लूड कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड फोर्स इज नॉन जीरो, तब भी वर्क हमारा क्या होगा जीरो होगा. मैंडेटरी कंडीशन क्या हो गई कि वर्क को नॉन जीरो करने के लिए फोर्स भी लगना चाहिए और उसका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए. अगर फोर्स लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट है तभी वर्क होगा, अदरवाइज वर्क तो जीरो ही आएगा. अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी जीरो है, जैसे मैं ऐसे बोल देता हूँ कि लेट्स से ये सर कोई भी ब्लॉक है और डेट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी वी एंड इट कवर डिस्प्लेसमेंट एस, सो वर्क डन क्या होगा? तो आप लिखोगे वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा. यहां पर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है बेटा, तो जीरो एस कॉस थीटा, डेट मीन्स वर्क डन तो क्या आ जाएगा जीरो. अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो वर्क डन क्या आएगा अपना जीरो. अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तब भी वर्क डन क्या होगा जीरो. ये तो सीधा सीधा फॉर्मूले की बात है. क्लियर? तो वर्क परफॉर्म तभी होगा. अब यहाँ से आप पूरी डेफिनेशन बना सकते हो, ये पूरी समरी है जिससे आप डेफिनेशन कंक्लूड कर सकते हो कि वर्क तभी परफॉर्म होगा व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग एंड बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. अगर बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रही है और उस पर फोर्स लग रहा है तभी वर्क परफॉर्म होगा, अदरवाइज वर्क परफॉर्म नहीं होगा. तो ये भी आप कॉपी कर लो, वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा. लिख लो बच्चों, ये हमारे बेसिक बेसिक सिंपल से पॉइंट्स हैं कि वर्क होता क्या है, कब हम काउंट करते हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं. आ रही बात समझ में? लिख लो, पहले ये आप कॉपी करो, इसके बारे में सोचो और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका अगला टॉपिक. चलिए, तो और क्या पॉइंट है हमारे, जो बेसिक हमारे वर्क के पॉइंट्स हैं अभी हम उनके बारे में ही बातचीत कर रहे हैं. तो ये हो गया कि फोर्स जीरो तो वर्क जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो, एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे होने वाली है वर्क की, एफ एस कॉस थीटा से. जितना फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है और जो भी उनके बीच का थीटा है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल वर्क. क्लियर? चलिए, नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वर्क. देखो बेटा, टाइप्स ऑफ वर्क में मैंने पहले ही बोला है फिलोसफिकल बातचीत नहीं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क नहीं बताऊंगा मैं. टाइप्स ऑफ वर्क में फिजिक्स वाला वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क. जैसे पहले मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव वर्क, इसका मीनिंग क्या है. तो देखो बच्चों, लेट्स से ये कोई भी एक ब्लॉक है, इसका मास एम है, इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एफ एट एन एंगल थीटा पर, और बॉडी हॉरिजेंटली डिस्प्लेस हो जाती है थ्रू अ डिस्टेंस एस. क्लियर? कि मैंने एफ फोर्स लगाया एट एन एंगल थीटा पर, बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है थ्रू अ डिस्टेंस एस. सो हेयर यू विल डिटरमाइन टोटल वर्क डन, डेट इज इक्वल टू होगा हमारा एफ एस कॉस थीटा. टोटल वर्क डन क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा. F इज अ फोर्स, S इज अ अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. इफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डिग्री एंड लेस देन 90. आपने पढ़ा है कॉस जीरो होता है 1 और कॉस 90 क्या होगा 0. तो 90 से छोटा है और 0 के इक्वल और इससे बड़ा है, देन आई कैन से कॉस थीटा डेट वुड बी पॉजिटिव. तो कॉस थीटा कैसा होगा बेटा अपना पॉजिटिव, सो ओवरऑल वर्क परफॉर्म वुड बी पॉजिटिव. क्लियर? समझ लो, वर्क स्केलर है तो इसका प्लस माइनस साइन थीटा से ही आएगा. आप सीधा सीधा फोर्स रखोगे, डिस्प्लेसमेंट रखोगे और यहाँ पे थीटा पुट करोगे, तो बेटा कॉस थीटा, अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो वर्क डन होगा पॉजिटिव. आ रही बात समझ में कि यहाँ पे वर्क डन क्या होगा अपना पॉजिटिव. सेकेंड, नेगेटिव वर्क. लेट्स से मैं ऐसे बोल देता हूं कि बेटा ये कोई भी एक ब्लॉक है, इस पर मैं इधर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एफ एंड बॉडी आगे हॉरिजेंटली डिस्प्लेस हो रही है थ्रू डिस्टेंस एस.
उस बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ऐसी भी प्रॉब्लम कराऊंगा। आप ऐसे इमेजिंग कर लो कि ऑलरेडी इसके पास एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आगे ले जा रही है, पीछे का फोर्स से हम रोकने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन ब्लॉक तो आगे ही जा रहा है। क्लियर? तो आपको बोला है कि फोर्स इधर लग रहा है और एस इधर है, डेट मीन्स ये इनके बीच का क्या है, थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा बेटा वर्क डन, तो वर्क क्या होगा हमारा, एफ एस कॉस थीटा। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन इक्वल टू है 180, क्योंकि 0 to 180 में ही आप थीटा को वेरी कराओगे। तो अगर 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इस वाले केस में कॉस थीटा ये हमारा कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। इस वाले केस में कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। सो ओवरऑल हेयर आई कैन से वर्क परफॉर्म्ड वुड बी नेगेटिव, ओवरऑल वर्क डन कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव में तो वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। आ रही बात समझ में, यहाँ तक क्लियर? कि ब्लॉक पे अगर मैंने फोर्स लगाया तो इस वाले केस में तो वर्क डन होगा पॉजिटिव और इस वाले केस में हमारा वर्क डन होगा नेगेटिव। तो ये तो बेटा हमारे दो एक्सपेक्ट हो गए वर्क परफॉर्म के, कि कोई भी बॉडी पर कितना वर्क परफॉर्म हो रहा है, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कि हेयर वर्क वुड बी पॉजिटिव एंड हेयर वर्क वुड बी नेगेटिव। जैसे अगर मैं बेटा यहाँ पे थर्ड टाइप लेता हूँ, तो थर्ड टाइप हम बोल देते हैं जीरो वर्क। लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा ये कोई भी ब्लॉक है, इस पर फोर्स तो ऊपर लगा रहा हूँ और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, जैसे हमारा नॉर्मल होता है ऊपर की तरफ। तो इन दिस केस इफ यू राइट वर्क डन डेट इज इक्वल टू होगा एफ एस कॉस थीटा, हेयर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, डेट मीन्स हेयर थीटा इज 90। एंड आपने पढ़ रखा है बेटा कॉस 90 डेट इज इक्वल टू होगा जीरो, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी बॉडी पर हमारा वर्क परफॉर्म हो रहा है, विच कैन बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग ऑफ एफ एस कॉस थीटा फार्मूला, वो पॉजिटिव होगा अगर थीटा लाई करेगा बिटवीन 0 to 90, वो नेगेटिव होगा अगर थीटा लाई करेगा बिटवीन 90 to 180, और वो जीरो होगा अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा हमारा परपेंडिकुलर। अरे बात समझ में? सो इन दैट वे वी कैन डिस्क्रिमिनेट वर्क वुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये इसकी सिंपल सिंपल सी कहानियां हैं कि वर्क हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। इनको हम समझेंगे विद अ न्यूमेरिकल, कुछ एग्जांपल्स मैं लेने वाला हूँ, उनसे हम ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। कुछ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लूँगा, उनसे हम इन चीज़ को इमेजिन करने वाले हैं। ये पूरा की पूरा जो हमारा चैप्टर है, इसकी खास बात है कि आप इसे अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, आप इससे अच्छे से सोच सकते हो, और आपने सोच लिया तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो बेटा ये कॉपी करो, दैट इज अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्क, बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। अभी हमने न्यूमेरिकल की बातचीत नहीं की है, अभी मैंने बेटा फोर्स को मैंने ब्रेक नहीं किया है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में, अभी मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई है कि दिस इज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्क। क्लियर? स्टिल अगर आपकी यहाँ तक कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन आस्क ऑन योर रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।